आप लोगों का बेटा रिवीजन टेस्ट 1 हो चुका है, इट इज चेक्ड एंड आई हैव गिवन टू यू, राइट। प्लीज सी कि उसमें आपने कहाँ गलतियां की हैं, ग्रामर में, रिटन में प्रॉब्लम्स हुई हैं, विराम चिन्ह में प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। रिटन प्रैक्टिस बेटा ग्रामर की करो, जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस में हमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन को हमें पता है उसका मतलब समझ में आया, आंसर हमें पता है, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है, सेकंड हमारे स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है, ओके। प्लीज वर्क ऑन स्पेलिंग्स एंड सेंटेंसेस एंड थॉरो रीडिंग ऑफ द चैप्टर, राइट। थॉरोली उसको रीड करना बेटा बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर एवरीवन, राइट। आज हम रिवीजन टेस्ट 2 के जो टॉपिक्स हैं उसके चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, ओके। आज हम चैप्टर नीलकंठ जो है वो डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 15 है नीलकंठ, पेज नंबर है 108। कोई मुझे बताएगा क्या पढ़ा था इस चैप्टर में हमने, प्लीज रेज योर हैंड्स। काइंडली रेज योर हैंड्स, कौन बताएगा हमने क्या पढ़ा था इसमें, रेज योर हैंड्स बेटा। ओके, यस अर्शिया। यस मैम, इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी अपने घर में 2 मोर के बच्चे लेकर आती हैं, वह उनसे बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। हमने पढ़ा था कि कैसे दोनों मोर के बच्चे बड़े होते हैं और एक मोर के बच्चे का नाम रखा जाता है नीलकंठ और दूसरे मोर के बच्चे का नाम रखा जाता है राधा। उसके बाद हमने पढ़ा कि के महादेवी वर्मा जी एक और मोर का बच्चा लेकर आती हैं जिसका नाम होता है कुब्जा। वह अपने व्यवहार से भी वैसी ही होती है, जैसे ही वो आती है सबके जीवन में दुविधाएं ले आती है। उसने कुब्जा के अंडे भी तोड़ दिए थे, इसके चलते ही राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे, इसके चलते ही नीलकंठ जाली घर छोड़कर भाग गया। राधा नीलकंठ के जाने से बहुत अकेली हो गई और कुब्जा उसकी राह में बैठी रहती थी। फिर हमने पढ़ा कि कुब्जा की एक बार कजली से लड़ाई हुई और कजली ने कुब्जा को मार दिया। ओके, गुड। दृष्टि, कुछ ऐसी चीजें जो अर्शिया ने मिस कर दी हो तो आप बताना चाहती हो? मैम, नीलकंठ का नाम उसकी नीली गर्दन होने की वजह से रखा गया और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया था। और मोर कुब्जा से तंग आकर चला गया था और इस वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। ओके, कुछ और जो छूट गया हो, एनीबडी एल्स? चैप्टर में हमने कुछ और भी पढ़ा हो जो छूट गया हो? और नीलकंठ और राधा को वर्षा का मौसम बहुत पसंद था क्योंकि नीलकंठ को फूलों और पत्तों वाले वृक्ष बहुत पसंद थे, इसलिए वह उनके पास जाना चाहता था। ओके, एंड और कुब्जा ने राधा की कलगी भी नोच डाली थी और उसके अंडे भी फोड़ डाले थे। ओके, थैंक यू दृष्टि। यस जसलीन। मैम, मैंने भी वही अंडों वाला पॉइंट देना था। ओके, गुड। एनीबडी एल्स? यस जलश्वीर। जलाश्वीर बताइए बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी बताइए। मैम आ रही है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ रही है बेटा, बोलिए। मैम हमने नीलकंठ के स्वभाव के बारे में भी पढ़ा था कि वह दूसरे जानवरों के सेनापति बन के उनके साथ रहता था, वह उनके साथ सख्ती से पेश आता था अगर वह कोई शरारत करे, पर वह उन्हें बहुत प्यार भी करता था। हमने ये भी पढ़ा कि एक दिन एक सांप जाली घर में घुस आया और कैसे नीलकंठ ने उस सांप से एक खरगोश के बच्चे को बचाया। ओके गुड गुड ओके। एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर का, ठीक है। जो लेखिका है, मैंने आपसे कहा था कि आपको हर पार्ट के लेखक का नाम पता होना चाहिए। नीलकंठ पाठ महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है, ओके। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा जो थी उन्हें पशु पक्षियों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। उनके घर में अक्सर ही कोई ना कोई अतिथि आया रहता था। एक दिन ऐसे ही वह किसी अतिथि को स्टेशन पर छोड़ने गई और रास्ते में आते हुए बड़े मियां चिड़िया वाले की दुकान पर रुक गई। उन्होंने सोचा था कि कोई पशु पक्षी नहीं लेना है, बहुत ज्यादा ले आती हूँ फिर देखभाल करती हूँ, इस बार नहीं लूंगी। लेकिन जो बड़े मियां थे उन्होंने उन्हें बताया कि एक चिड़ीमार था मोर के दो बच्चों को लेकर आया और बड़े मियां चिड़िया वाले से मोर के पंजों से दवाई बनाने के लिए उन्हें खरीदना चाहते थे। लेकिन उसने कहा कि मैं भी अक्सर इंसान हूं, आखिर इंसान हूं तो मेरा मन नहीं किया कि इनको मरने के लिए मैं दे दूं। तो उसने कहा मैंने आपके लिए ले रखे हैं। लेखिका बताती है कि दो पक्षी जो थे मोर के जो बच्चे थे फ्रेम में जड़े हुए किसी चित्र जैसे लग रहे थे, पिंजरे में बंद थे और ऐसे लग रहा था जैसे फ्रेम में कोई चित्र जड़ा हुआ हो। कहती है कि मैं उन्हें घर ले आई। घर जब लाई तो सबने कहा कि ये तो तीतर लग रहे हैं, तीतर के बच्चे लग रहे हैं। तो कहती है कि जब मुझे ऐसे चिढ़ा दिया गया तो मेरा उनके प्रति कुछ विशेष प्रेम हो गया और मैंने उनकी बहुत ही ज्यादा देखभाल करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, ठीक है। जब उनकी देखभाल की कुछ दिन वो उसके कमरे में रहे, लेकिन फिर उन्हें जाली घर में ले जाया गया जहां सभी पशु पक्षी रहते थे। जब उन्हें जाली घर में ले जाया गया तो वहां का दृश्य कैसा था कि उन दोनों पक्षियों का स्वागत ऐसे हुआ जैसे घर में किसी नव वधु का स्वागत होता है। उन्होंने जाली घर में रहने वालों में कुतूहल जगा दिया। जो जाली घर में रहते थे पहले से पक्षी, उनमें कुतूहल जगा दिया और सबने उनका स्वागत कैसे किया, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं करने लगे। जो बड़े खरगोश थे गंभीर भाव से उन्हें देखने लगे और ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे, जैसे कि चिड़िया घर में भूचाल आ गया था। ओके, जाली के बड़े घर में उनका स्वागत कैसे हुआ? जाली घर में उनका स्वागत नव वधु की तरह हुआ। उन्होंने जाली घर में पहले से रहने वालों में कुतूहल जगा दिया। जाली घर में मानो भूचाल आ गया था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं करने लगे। जो दूसरे पक्षी थे बड़े पक्षी थे वे सभा सदों की तरह बैठकर उनका निरीक्षण करने लगे, तोते उनको देखने लगे। ओके, कैसे स्वागत हुआ? जैसे किसी नव वधु का स्वागत होता है। जाली घर में मानो भूचाल आ गया, सब में कुतूहल जाग पड़ा, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर
दौड़ पड़े, छोटे खरगोश उनके चारों ओर घूमने लगे, तोते उन्हें देखने लगे, एक आंख बंद करके देखने लगे। ओके, ये चार पांच चीजें हम लिखेंगे। जैसे किसी नववधु का स्वागत किया जाता है, सब में कुतूहल जाग गया, जाली घर में मानो भूचाल आ गया, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े, छोटे खरगोश उनके चारों ओर घूमने लगे और तोते उन्हें एक आंख बंद करके देखने लगे। क्लियर? ठीक है, फिर लेखिका बताती है कि धीरे धीरे मोर के दोनों बच्चे बड़े होने लगे। अब उनका नाम रखा जाना था, मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। क्यों रखा गया? उसकी नीली और हरी, नीली हरी गर्दन के कारण। मोर की नीली हरी गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया। ओके, और मोरनी का नाम रखा गया राधा, क्योंकि वह हमेशा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी। आपने यहां पर राधा और कृष्ण नहीं लिखना, बुक में कहीं भी राधा कृष्ण नहीं लिखा हुआ तो आप राधा कृष्ण नहीं लिखेंगे। ओके, मोर का नाम उसकी नीली हरी गर्दन के कारण नीलकंठ रखा गया, और मोरनी हमेशा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। यहाँ राधा कृष्ण नहीं लिखना किसी ने भी, आप लोगों ने नोटबुक में लिखा हुआ था। ओके, क्लियर? मोर की नीली हरी गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया, और मोरनी हमेशा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। ओके, फिर दोनों में क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन आए? धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो चेंजेस आते हैं ना, लुक्स चेंज होती है ना सबकी, है ना? इसी तरह से मोर, मोरनी की लुक जो थी वो भी चेंज होने लगी थी। क्या चेंजेस आए उनमें? मोर की जो कलगी थी वो बहुत ही ज्यादा सघन, ऊंची और चमकीली हो गई थी। ओके, उसके पंखों पर आलेखन स्पष्ट होने लगे थे, राइट? और जो मोरनी थी उसकी भी जो कलगी थी वो हवा में लहराती थी, धूप छाही गर्दन थी और हवा में चंचल कलगी दिखाई देती थी। ओके, उसके बाद जो मोर था, मोर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करता था लेखिका को। उसकी कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो लेखिका को बहुत अच्छी लगने लगी थी? जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसकी कुछ बातें थी जो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। कौन बताएगा मुझे क्या था वो? उसकी कौन कौन सी भंगिमाएं, चेष्टाएं या उसकी बातें लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी? रेज योर हैंड्स, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करो। रेज योर हैंड्स। ओके, यस जलश्वीर। यस मैम, लेखिका को नीलकंठ की कई चेष्टाएं भाती थी, जैसे कि उसकी गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना, शब्द सुनना, गर्दन ऊंची कर देखना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, गर्दन ऊंची कर, ओके, गर्दन ऊंची कर देखना, ऊंची करके देखना, ओके, और लेखिका के हाथ से चने खाना, ओके, लेखिका के हाथ से चने खाना, लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़ा हो जाना आदि, खड़ा हो जाना, ओके, और बस इतनी है। ओके, हमने इसमें एक दो चीजें और पढ़ी थी, जैसे उसका
पानी पीना है ना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन को नीची करके दाना चुगना, दाना चुगना, पानी पीना, कुछ बातें थी या कुछ चेष्टाएं थी या आप कह सकते हैं कुछ भंगिमाएं थी, मतलब कुछ बातें ऐसी थी उसकी जो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। कौन कौन सी बातें थी? जब वो गर्दन टेढ़ी करके कोई शब्द सुनता, गर्दन ऊंची करके देखता, लेखिका के हाथ से चने खाता, पंख फैलाकर खड़ा हो जाता, दाना चुगता और पानी पीता, उसकी ये सारी बातें लेखिका को बहुत ही अच्छी लगती थी। क्लियर? ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो नीलकंठ था उसने धीरे धीरे अपने आप को सारे पशु पक्षियों का जैसे सेनापति बना लिया था। जहां दाना दिया जाता था सबको वहां पर लेकर जाता और वहां पर सबकी देखभाल करता कि कोई शरारत तो नहीं कर रहा, और अगर कोई शरारत करता तो उसे चोंच मारकर दंड भी देता था। ओके, चोंच मारकर दंड देता और कभी कभी तो खरगोश के बच्चों को उनके कानों से उठा लेता और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो रोने ना लगते या उनका कर्णवेद संस्कार नहीं हो जाता, यानी कि जब तक उनके कानों में छेद नहीं हो जाता या वो रोने नहीं लगते तब तक उन्हें नहीं छोड़ता था। ओके, क्लियर? सबको तरीके से रखता, किसी को शरारत नहीं करने देता था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत ही प्यार भी था। कब पता चलता है हमें? जब एक बार खरगोश के एक बच्चे को सांप ने पकड़ लिया, है ना, हमने पढ़ा था इसमें, खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया, किसी को उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी, और जो नीलकंठ था वो एक पेड़ पर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसे बहुत ही धीमी से कोई अच्छा आवाज सुनाई दी और उसे ऐसे लगा जैसे कि कोई संकट में है। तो उसी समय वह वहां पर आ गया, उसने सांप को पकड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और खरगोश के बच्चे को बचा लिया। राधा ने कोई जरूरत नहीं समझी कि किसी को बुलाया जाए, कोई आवाज दी जाए, क्योंकि उसे पता था कि नीलकंठ खुद ही सब कुछ अच्छे से देख लेगा। ओके, इस तरह से वह उनकी रक्षा भी करता था, अगर उन्हें दंड देता था तो उनकी रक्षा भी करता था और उनसे प्यार भी करता था। क्लियर? फिर लेखिका बताती है कि जो नीलकंठ और राधा थे उन्हें बारिश बहुत अच्छी लगती थी, बरसात का मौसम उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। जब वर्षा होने वाली होती थी तो नीलकंठ को बाहर छोड़ देना पड़ता था। जब भी वसंत ऋतु आती थी तो वसंत ऋतु में नीलकंठ को बाहर छोड़ देना पड़ता था, उसे जाली घर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस समय वह बारिश का मजा लेना चाहता था। उसे फूलों और पत्तों वाले वृक्ष बहुत अच्छे लगते थे, फूलों और पत्तों वाले वृक्ष जो थे उसे बहुत ही अच्छे लगते थे और उस समय वह उन वृक्षों पर जाकर आनंद लेना चाहता था, वसंत ऋतु को वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहता था, मजा लेना चाहता था, और उसके लिए जाली घर में रहना असहनीय हो जाता जिसके कारण उसे छोड़ देना पड़ता था। ओके, फिर लेखिका ने उसके बारे में क्या बताया है कि जो नीलकंठ था उसको बहुत सारे लोगों ने, उसकी जो विदेशी अतिथि थे उन्होंने परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी थी। परफेक्ट जेंटलमैन क्यों दी थी? क्योंकि जब भी कोई आता या लेखिका आती तो एक विशेष भंगिमा के साथ उनके सामने खड़ा हो जाता जैसे कि वो उनका स्वागत कर रहा है और सबको लगता था कि ये हमें आदर दे रहा है और इसलिए उसको परफेक्ट जेंटलमैन सब लोग कहने लगे थे।
बहुत सारे विदेशी अतिथि थे जो उसे परफेक्ट जेंटलमैन कहने लगे, क्योंकि जब भी कोई आता तो एक विशेष भंगिमा के साथ खड़ा हो जाता और सबको ऐसे लगता कि वो हमें सम्मान दे रहा है, हमें आदर दे रहा है। तो उसे कई विदेशी अतिथियों ने परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। ओके, यहां तक सबको समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ओके, अब इसके बाद कुब्जा की एंट्री होती है। उसने सब कुछ बता दिया नीलकंठ के बारे में। उसके बाद लेखिका कहती है, एक दिन ऐसे ही बड़े मियां की दुकान पर गई, वहां से उन्होंने एक मोरनी ली जिसके ठूंठ जैसे पंजे थे और उसका नाम रखा गया कुब्जा। अपने नाम के अनुसार ही वो कुब्जा निकली। उसकी जाली घर में रहने वाले किसी भी पशु पक्षी के साथ कभी भी नहीं बनी। वो किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। उसने राधा के अंडे फोड़ दिए थे। राधा के अंडे तोड़ दिए थे। किसी को भी नीलकंठ के पास नहीं आने देती थी। वह केवल खुद ही नीलकंठ के पास रहना चाहती थी और किसी के साथ नीलकंठ को बात तक नहीं करने देती थी। इस कारण नीलकंठ बहुत ही परेशान रहने लगा था। जो बहुत ही आनंद के साथ रह रहा था अब चुपचाप रहने लगा था। उसकी चाल में थकावट आ गई थी और अब वो उतना मजा भी नहीं करता था जैसे वो पहले अपना जीवन जी रहा था। अब कई बार जाली घर से बाहर निकल जाता, किसी पेड़ पर बैठा रहता, पशु पक्षियों के पास भी नहीं आता था। कभी आता था, कभी चला जाता था। और एक दिन लेखिका कहती है कि तीन चार महीनों के बाद एक दिन सवेरे देखा कि नीलकंठ पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। लेखिका के बुलाने पर भी वो नहीं बोला। वास्तव में वह मर चुका था। नीलकंठ की मृत्यु हो गई थी क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा था। कुब्जा ने किसी के साथ उसका मेलजोल हर किसी के साथ उसका मेलजोल खत्म कर दिया था। राधा के अंडे तोड़ दिए थे। किसी को नीलकंठ से बात नहीं करने देती थी और इसी के चलते नीलकंठ की मृत्यु हो गई। उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, कोई समस्या नहीं थी। लेखिका ने फिर बताया कि उसने उसको शॉल में लपेटा और संगम में उसको बहा दिया। अब जो कुब्जा थी उसे वो दिखाई नहीं दे रहा था, राधा को भी दिखाई नहीं देता था। राधा ने सोचा कि शायद नीलकंठ वापस आ जाएगा। कई बार ऐसा हो चुका था कि किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता था, एक दो दिन बाद वापस आ जाता था। राधा को ऐसे ही लगा कि नीलकंठ वापस आ जाएगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। और जो कुब्जा थी वो ऐसा सोचकर नहीं बैठी, उसने उसकी छानबीन करनी शुरू की, उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे भी वह कहीं पर भी नहीं मिला। एक दिन कजली के साथ कुब्जा का झगड़ा हो गया और कजली के दो दांत कुब्जा की गर्दन में लग गए और कुब्जा को चोट लगने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका और कुब्जा की भी मृत्यु हो गई। और अब जो राधा है वो बस नीलकंठ को पुकारती रहती है। ओके, क्लियर? किसी को कोई डाउट चैप्टर में? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई बात ना समझ में आई हो? एनी लाइन, एनी वर्ड? नो? एवरीबडी शो द थंब, अगर क्लियर हो गया तो। हिमालय समझ में आ गया? ऑल क्लियर हिमालय? ऑल क्लियर? हिमालय, हिमालय समझ में आया? ओके, फाइन। चलो क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करते हैं।
वैसे तो हमने चैप्टर रिवाइज करते करते साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं काफी सारे, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। मैंने सिर्फ ये तीन चार बच्चों से नहीं पूछना, जलश्वीर दृष्टि अर्चया दुस्लीन, इन लोगों से मैंने नहीं आंसर लेना, बाकी लोग भी हाथ खड़ा करो। क्लास में ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी बस यही बच्चे आंसर देते हैं। यस गुनीत। नीली हरी गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया और उसकी छाया के समान रहने वाली मोरनी का नाम राधा रखा गया। वेरी गुड। मोर की नीली हरी गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया और राधा हमेशा उसकी छाया के मोरनी हमेशा उसकी छाया के समान रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत किस प्रकार हुआ? रेज योर हैंड्स। यस समीर। जैसे परिवार में जाने का नववधू का होता है। हम उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे समीर, वन वर्ड में नहीं लिखेंगे, एक लाइन नहीं लिखनी कि जैसे नववधु का स्वागत होता है वैसे स्वागत हुआ। नो, उसको एक्सप्लेन करो। बोलो समीर, एक्सप्लेन करो कि कैसे हुआ, नववधु की तरह स्वागत हुआ, एक्सप्लेन भी करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रेज योर हैंड्स। अनमोल, अनमोल आर यू देयर? नो, ओके। खुशी बताइए बेटा। मोर मोरनी को जब लेखिका के कमरे से दूसरे जानवरों के कमरे तक पहुंचाया गया, घर में ले जाया गया। अब अपने वर्ड्स में बताओ, अपने वर्ड्स में बताओ। बुक के जाली घर में पहुंचाई है। जाली घर में पहुंचाया गया तो उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई नववधु आई है। ओके, आगे। आगे बताइए बेटा। यस दृष्टि। यस मैम। जब मोर के बच्चे जाली घर में पहुंचे तो ऐसा लगा कि जाली घर में भूचाल आ गया हो और कोई नववधू आई हो। लगता कबूतर नाचना छोड़ के उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। बड़े खरगोश बैठकर उनको गंभीरता से देखने लगे और उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद कर उनका परीक्षण करने लगे। ओके, वेरी गुड दृष्टि। जब मोर और मोरनी को जाली घर में पहुंचाया गया तो उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे किसी नववधु का स्वागत होता है। जाली घर में मानो भूचाल आ गया था। ओके, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। बड़े खरगोश उन्हें देखने लगे। जरूरी नहीं है कि हमने बुक की लैंग्वेज लिखनी है, अपने वर्ड्स में लिखो। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। बड़े खरगोश उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास घूमने लगे और तोते एक आंख बंद करके उनको देखने लगे। इज इट क्लियर? क्लियर? अपनी लैंग्वेज में लिखो, बुक की लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने वर्ड्स में लिखो। जाली घर में मानो भूचाल आ गया था। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। बड़े खरगोश उन्हें देखने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगे और ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके आसपास घूमने लगे।
ओके नेक्स्ट इज लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। यस जसलीन। यस मैम, लेखिका को नीलकंठ की कई चेष्टाएं भाती थी, जैसे उसका गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना, गर्दन ऊंची कर देखना, लेखिका के हाथ से दाना चुग कर खाना आदि। ओके, लेखिका को नीलकंठ की बहुत सी चेष्टाएं भाती थी, जैसे उसका गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना, गर्दन ऊंची करके देखना, पानी पीना, दाने खाना, लेखिका के हाथ से चने खाना आदि। ठीक है, कौन कौन से काम हम करते हैं? हम शब्द भी सुनते हैं, हम देखते भी हैं, हम पानी भी पीते हैं, हम खाते भी हैं। वही बातें मोर में थी जो लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। लेखिका को उसकी कई बातें अच्छी लगती थी, जैसे उसका पानी पीना, उसका गर्दन ऊंची करके देखना, चने खाना, लेखिका के हाथ से दाने खाना। ठीक है, यस दृष्टि। मैम मैंने आंसर देने के लिए किया। ओके ओके फाइन। ठीक है, आप ये देखो कि हम कौन कौन से काम करते हैं। हम खाना खाते हैं, मोर दाने खाता है। हम पानी पीते हैं, मोर भी पानी पीता है। हम किसी की बात सुनते हैं, मोर भी शब्द सुनता है। ठीक है, हम ऊपर देखते हैं, मोर भी ऊपर देखता है। उसको ये तीन चार बातें उसकी बड़ी अच्छी लगती थी। लेखिका को नीलकंठ की कई चेष्टाएं भाती थी, जैसे कि उसका गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना, गर्दन ऊंची करके देखना, लेखिका के हाथ से भुने हुए चने खाना, दाना खाना और पानी पीना आदि। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। बेटा जब मैंने आप लोगों की नोटबुक्स चेक की थी ना, आपने एक लाइन में आंसर लिखा हुआ था, यह वाक्य कुब्जा के आने की ओर संकेत कर रहा है। आपने एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है, यह वाक्य कुब्जा के आने की ओर संकेत कर रहा है कि किस तरह से जब कुब्जा आई तो उसने नीलकंठ को बाकी पशु पक्षियों से मिलने नहीं दिया, उसे बाकियों से दूर रखती थी, उसने राधा के अंडे तोड़ दिए थे और राधा की कलगी भी नोच डाली थी। उसने जो जो भी कुछ गलत किया था वो सब आपने उसमें लिखना है। ओके राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटे।